हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन कोर्स ADCA, DTP और टैली का। इस चैनल से आपको कोर्स करने के बाद किसी भी प्रकार कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से पढ़ सकें। तो आइए, आप बने रहिए मेरे साथ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन पहला क्या है, अ कैशियर स्टॉल कैश रुपीज 8000, यानी एक कैशियर ने कितना कैश चुराया और प्रिंटर कितना का चुराया और लास्ट में लापता हो गया। इसका मतलब लापता हो गया। तो अ कैशियर स्टॉल कैश रुपीज 8000 एंड अ प्रिंटर रुपीज 5000 एंड नाउ एक्सपोर्टिंग, लास्ट में क्या हो गया, वो लापता हो गया। तो ऐसे कंडीशन में एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो एक बात बताइए कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कितना का लॉस हुआ इसमें, कितना का 13000, कैसे कैश कितना गया और प्रिंटर कितना गया, टोटल में कितना हुआ 13000, तो लॉस कितना का हुआ 13000। देखिए ठीक है, अगला कौन सा बनेगा और कौन सा बनेगा, इसमें तीन अकाउंट बन जाएगा, लेकिन DRCR जो रहेगा मेंटेन हमेशा इक्वल रहेगा, दोनों DRCR में से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसमें क्या ऐसा, ये किसमें आएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका किस अकाउंट में आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में, कोई दिक्कत, क्योंकि लॉस है। कैश किसमें आएगा, प्रिंटर किसमें आएगा, क्योंकि एसेट्स है, तो किसमें आएगा आपका, रियल अकाउंट में ही आता है। आगे देखिए इसका रूल क्या होता है, DR and CR, उसमें क्या होता है, लॉस में DR और प्रॉफिट जो होगा वो CR, ठीक है। अब कैश आता है इसमें क्या, आपका DR में क्या आएगा, इन, और CR में क्या आएगा, आउट। ये रियल है, इसका रूल क्या होता है, DR में इसमें होगा आपका रिसीवर, सॉरी रियल का ही है तो इन और आउट होगा, ये रियल का ही है तो इन और आउट होगा। अब देखिए लॉस हो रहा है तो DR की CR, तो क्या हो जाएगा आपका, ये DR। अब यहाँ पे कैश अकाउंट है, इन और आउट, तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, अब पैसा चोरी तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो जाने वाला क्या हो जाएगा CR। अब ये प्रिंटर आ रहा है कि जा रहा है, चोरी हुआ तो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो क्या होगा यहाँ पे CR, क्लियर। लेकिन मेंटेन कैसे करना है, देखिए इसको जर्नल में डालना कैसे है, ये तो फॉर्मेट ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डीआर एंड अमाउंट सीआर, ठीक है, अमाउंट सीआर इसको का बड़ा रखेंगे ना। अब देखिए पहले डीआर वाला कौन है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर, बाकी दोनों क्या में है सीआर, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट और फिर दोबारा टू प्रिंटर अकाउंट। मेंटेन कैसे होगा, कितना का लॉस हुआ है 13000 का, कैश कितना गया है और प्रिंटर कितना गया है, इक्वल हुआ, डीआर में कितना 13000 और सीआर में 8 और 5 13000, कोई दिक्कत किसी को। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग कैश एंड प्रिंटर स्टोलेन रुपीज कितना, क्लियर, इनरेशन होगा। या तो इसको अलग भी कर सकते हैं, बीइंग कैश रुपीज 8000 एंड प्रिंटर रुपीज 13000 स्टोलेन, क्लियर। इस क्वेश्चन किसी को डाउट है, डाउट होगा इसको दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आगे बढ़ने से पहले जान लीजिएगा, अब कुछ अकाउंट होता है, आप लोगों को लिखवाया गया था ना, कुछ अकाउंट जैसे कि चोरी हो गया तो कौन सा अकाउंट बनता है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है। आग लग गया
तो कौन सा बनाएंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट। कहीं सामान टूट गया रास्ता में लाने में तो क्या बनाएंगे? लॉस ऑन ट्रांजिट अकाउंट। कोई जानवर पर नुकसान तो कौन सा बनाएंगे? लॉस ऑन लाइव स्टॉक। यानी जानवर का अकाउंट होगा तो बनाएंगे लाइव स्टॉक, अगर वो जानवर बाय द वे मर जाता है तो कौन सा बनाते हैं? लॉस ऑन लाइव स्टॉक। ठीक है, कोई दिक्कत? और प्रचार के लिए क्या बनाते हैं? एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी अकाउंट बनाते हैं। क्लियर। और चंदा या दान में देने पर डोनेशन या चैरिटी अकाउंट, इतना याद रखना। कौन कौन सा? सामान चोरी होने पर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है, और सामान में आग लग जाने पे लॉस बाय फायर अकाउंट, और अगर मान लीजिए कहीं टूट जाए तो लॉस ऑन ट्रांजिट अकाउंट, और फिर क्या है लास्ट में? प्रचार के लिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट, पब्लिसिटी अकाउंट, एट लास्ट दान के लिए चैरिटी अकाउंट। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बोलिएगा। परचेज अ हॉर्स ₹25,000 एंड अ कार्ट ₹10,000। इसमें क्या बनेगा? देखिएगा, परचेज कर रहे हैं हॉर्स, पहले बताए ना, जब किसी वस्तु का नाम पता होता है तो परचेज नहीं बनता है। परचेज क्यों बनता है? किसी का नाम नहीं पता होता है तब। अगर हम लिखते कि परचेज गुड्स तब बनाते हैं परचेज, लेकिन क्या लिखा? परचेज अ हॉर्स। अब हॉर्स अकाउंट है तो हॉर्स अकाउंट तो पढ़ाया नहीं है किसमें, एग्जाम्पल है किसी का हॉर्स अकाउंट, लेकिन अभी क्या बताया तुरंत अभी कि लॉस होने पर क्या बनता है? लॉस ऑन लाइव स्टॉक। तो अकाउंट कौन सा होगा? लाइव स्टॉक का। क्लियर। जानवर के लिए हमेशा क्या बनता है? लाइव स्टॉक बनता है। तो कौन सा अकाउंट बना देंगे सबसे पहले? क्लियर। और क्या बनेगा? कार्ट अकाउंट। बाकी सब क्या से ले रहे हैं हम लोग? कैश अकाउंट। ये किसमें आएगा? लाइव स्टॉक, बताइए किसमें आएगा? ये एक एसेट्स है ना, किसमें आता है एसेट्स? रियल अकाउंट में। किसमें आएगा? रियल अकाउंट में, एक तरह का वस्तु ही तो मानेंगे इसको ना। कार्ड किसमें आएगा? कैश किसमें आएगा? अब ये मैटर नहीं करता कि तीनों एक में कैसे आ सकता है, उसका रूल देखिए अप्लाई करके छट जाएगा अपने आप, अपना वाला हो जाएगा। इसका रूल क्या होता है? DRCR, इन और आउट, तीनों का रूल सेम होता है ना, छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब लाइव स्टॉक है घोड़ा, तो घोड़ा आ रहा है कि जा रहा है खरीदने पे? तो आने वाला क्या होता है? अब कार्ट आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? कैश आ रहा है कि जा रहा है? ये दोनों के बदले कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेंटेन कैसे करेंगे इसको जर्नल में? डेट पर्टिकुलर अमाउंट DR और अमाउंट CR। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए DR में कौन सा पहले? लाइव स्टॉक। क्या बनाएंगे यहां पे? बनाएंगे यहां पे लाइव स्टॉक, ठीक है, DR में ना। डीआर नेक्स्ट कौन सा है? वेरी गुड, कार्ट अकाउंट, और लास्ट में टू कैसे अकाउंट। एक डीआर में कितना है कार्ट? कार्ट हॉर्स कितना का? कार्ट कितना का? और कैश कितना का? कैश कितना? सॉरी डीआर में होगा ना यहाँ, कैश कितना? देखिए आपको, आप यहाँ तो नॉर्मली मेंटेन कर ले रहे हैं, लेकिन जब डेबिट वाउचर भरते हैं, क्रेडिट वाउचर भरते हैं, तो पता है लास्ट में क्या यूज किया जाता है? इक्वल टू देखे ऐसे किया जाता है, कहीं देखें? अब आप लोग ऐसे ही शुरू कर दीजिए, उसमें क्या होता है? ये तो मान नॉर्मल सीख रहे हैं ना, उसमें क्या होता है ना, काट दिया जाता है इस प्रकार से, तब दोनों इक्वल के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। वो भरने बताएंगे, बस नॉर्मली इतना ही जाने जितना नॉर्मल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए अभी। ऐसे वो डेबिट वाउचर में होता है कि इक्वल टू 00 लिख लिया है, तो पैसा वाला होता है, ठीक है, तो 00 यहाँ लिखेंगे, उसको काट के तब नॉर्मल मेंटेन करते हैं, वैसा नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको ऐसे अभी। ये मेरा जर्नल है, मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। इसका नरेशन क्या होगा? बींग अ हॉर्स एंड अ कार्ट रुपीज कितना का? 35,000 परचेज। या तो बींग, इसको ऐसे करते हैं,
कार्ड परचेज रुपीज 35। क्लियर? कोई दिक्कत? लिखिए इसको। ये क्वेश्चन हो गया, इससे ही जुड़ा एक और क्वेश्चन है। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है क्या? द हॉर्स डेड एंड हिज डेड बॉडी सोल्ड रुपीज 3000। ये कैसे बनेगा? डेड बॉडी, देखिए इतना का परचेस किए थे, मरा कौन है? ये तो नहीं ना मरा है, ये तो सही सलामत होगा ना। कार्ड का मतलब क्या होता है? तो जो गाड़ी जो होता है उसको बोला जाता है। ये तो सही सलामत है। अब कितना का लिए थे हॉर्स हम? तो मेरा लाइफ स्टॉक कितना का होगा? 25,000 का। अब दरअसल बात ऐसा है कि घोड़ा कितना का कितना का था यहाँ पे? मर गया तो कितना का बिका? 3000 का। तो अब देखिए, सबसे पहली बात कि लाइफ स्टॉक बनाएंगे, ये घोड़ा के लिए है। अब फिर क्या बनाएंगे यहाँ पे? लॉस ऑन लाइव स्टॉक। और फिर बेचने के बदले क्या आया? पैसा आया। आया समझ में? यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन में है कि हॉर्स को परचेज किए थे 25,000 में और साथ में कार्ड लिए थे 10,000 का। तो सिर्फ वही नहीं देगा, आपका ये लिखेगा जरूर, आपका लिखेगा हॉर्स इतना का था। ठीक है, तो हॉर्स 25 कितना का था हॉर्स यहाँ पे? यानी हम परचेज किए हॉर्स 25,000 का, एक कार्ट लिए 10,000 का, उसके बाद जो घोड़ा है वो मर गया, उसका डेड बॉडी कितना बेचा? बिका 3,000 में। यानी कितना का था वो? 25 का। कितना में बिक गया? 3,000 का। तो लॉस हुआ होगा ना? कितना का लॉस हुआ? 22,000 का। क्यों था? कितना का? 25 का। कितना का बिका? कितना का लॉस गया? अब देखिए, तीनों मेंटेन कर दिए, लाइव स्टॉक है। अब बताइए कि यहाँ पे इस कंडीशन में घोड़ा मर रहा है तो घोड़ा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा। तो जाने वाला क्या होता है? सीआर। अब लॉस हो रहा है तो लॉस क्या होता है? डीआर की सीआर। अब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कोई दिक्कत? मेंटेन कैसे करेंगे इसको? डेट पर्टिकुलर अमाउंट डी आर अमाउंट सी आर। देखिए डी आर पहले ये है, दोनों से कोई लिख सकते हैं, लिखिए लॉस का, लॉस ऑन डी आर, लॉस ऑन लाइव स्टॉक अकाउंट डी आर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा आप यहाँ पे? कैश अकाउंट डी आर टू लाइव स्टॉक अकाउंट। मेंटेन कैसे करना है इसको? लॉस कितने का हुआ मेरा? कैश कितना आया? नुकसान कितना? घोड़ा कितना का था पूरा? दोनों इक्वल हो गया? नरेशन क्या होगा? बींग हॉर्स परचेस्ड बाय कैश रुपीज 25,000 एंड हिज डेड बॉडी सोल्ड रुपीज 3000। हाँ, एक ही में दोनों हो जाएगा। ठीक है, बनाइए। कंप्लीट हो गया ना ये? इसमें कोई दिक्कत? इस बेस पे इतना ही टॉपिक था, इतना ही क्वेश्चन था। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। देखिए डिस्काउंट होता क्या है?
छूट को बोला जाता है। ठीक है, लिखिएगा आगे। देखिए इस टॉपिक को थोड़ा ब्रीफली पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह डिस्काउंट ही चलता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, कौन कौन सा? ट्रेड और कैश। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। छूट का मतलब अगर कोई सामान खरीदने का है, अगर आपके पास कोई वस्तु पे MRP लिखा हुआ है 100 रुपया, अगर आपको वो दे रहा है 80 में, इसका मतलब क्या है? आपको 20% क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, तो वो डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश। फॉर एग्जाम्पल, सब कोई ब्रांडेड शूज के बारे में जानते हैं, इसका नाम कैंपस है, जानते होंगे ना। उस कैंपस के शूज के डब्बे पे उसका रेट कितना लिखा हुआ रहता है? सपोज इस तरह से माल लिखा हुआ रहता है, लेकिन मिलता कितना में है? खुद से खुद 1200 में या तो फिर 1100 में, उससे भी कम होता है। कब? दो डिस्काउंट लागू करने के बाद। अगर मान लीजिए उसका MRP इतना है, आपको मिल इतना पे रहा, यानी कितना परसेंट छूट हुआ, मानते हैं कि उसमें छोड़ता है 20 से 25%, तो वो आपका कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को मिलता है, या तो वो परचेज करे कैश से या तो उधार करे, दोनों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक और कौन सा अगला है? कैश डिस्काउंट। यह डिस्काउंट सिर्फ उसी को प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके पास कैश से ले रहा है। अगर आपके पास कैश नहीं है, आप दुकान पे सामान लेने गए हैं, अगर उसके बोले कि भैया डिस्काउंट पूछ, तो पता क्या बोलेगा? हाँ डिस्काउंट है 20%, कोई दिक्कत नहीं है, 1200। फिर बोले कुछ और कम कीजिए क्या? वो कम कर देगा। कब करेगा? पैसा दीजिएगा। अगर इतना कम करोगे फिर बोलिए कि भाई चढ़ा दीजिएगा ना, तो भी चढ़ाएगा वो। ऐसा कभी होता है क्या? अगर मान लीजिए ये तो आपको ट्रेड डिस्काउंट है, वो सबको मिलता है, कैश से लिए तब भी उधार दोनों को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ कैश वाले क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप कैश दिए हैं तो आपको और 100 रुपया डिस्काउंट कर पाएगा, अगर नहीं दिए कैश तो वो नहीं कर पाएगा। आप ऐसा कभी देखे होंगे, उधार जहाँ लेने जाते हैं वहाँ आप इतना कम करोगे बस, उसके बाद कुछ नहीं बोल पाइएगा आप, कि बोलते हैं वहाँ भी और कम कीजिए, तो ठीक है कम कर दे रहे, अब चढ़ा दीजिएगा उसको। ऐसा कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो वो होता है दोनों, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वैसे कस्टमर को दिया जाता है जो कि आपके पास कैश से और उधार दोनों ले सके। ठीक है, जो कैश ले रहा है फिर भी, उधार ले रहा है फिर भी, क्या मिलेगा उसको? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? वैसा डिस्काउंट जो सिर्फ उसी को दिया था जो आपके पास कैश से ले रहा है। यानी किसी किसी पर्सन को सिर्फ एक ही मिलता है और किसी किसी को दोनों भी मिल सकता है। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। Thank you.
देखिए पूरा लिख लिए ना, क्वेश्चन क्या है ये समझा दिए ना, और फिर रिपीट करते क्या? क्वेश्चन देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रमन वर्मा, यानी रमन वर्मा से हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं कितना का, एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट, कौन डिस्काउंट दिए हैं? ट्रेड। ट्रेड का काम क्या होता है देखिएगा, दिस डिस्काउंट इज नॉट शोन इन ट्रांजेक्शन, इसका जिक्र ट्रांजेक्शन में नहीं किया जाता उस कस्टमर को जो परचेज करता है दोनों चीज से, कैश से और बिजनेस, बिजनेस बोल रहा है, जो मार्केटिंग किया जाता है वो कैश हो के दो चीज से किया जाता है, पैसा उधारी किया जाता है, या तो पैसा से या तो उधारी, उसको बोलते हैं क्रेडिट। तो ये जो डिस्काउंट होता है ना आपका ट्रांजेक्शन में, इसका जिक्र नहीं किया जाता है, केवल नरेशन में दिखाते हैं। क्या बताया अभी हम कि मान लीजिए कि आपको हम कोई मेरे पास 25,000 का सामान है, ठीक है, दो लोग लेने आए मेरे पास, दोनों को क्या बोले कि हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 घटा के तो कितना का हो जाएगा सामान, दोनों को मिले ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड तो देना ही, सबको देना है, पैसा दे तब भी, उधार से ले तब भी, कितना में दिए हम? 20,000 में। अब इसलिए बताया कि अब इसका जिक्र जरूरी नहीं है, मतलब आपको ट्रांजेक्शन में ये जो 5 गया उसको दिखाने की आवश्यकता, क्यों? ट्रेड है मेरा, ट्रेड से उतना ज्यादा मतलब ही नहीं होता है, वो सबको देना है। लेकिन अब कोई बोले कि सर हम कैश दे रहे हैं, आप हमको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कीजिए, तो वहां पे आपका 5,000 मान लीजिए घटा दिए हम, तो कितना का हो गया? अब ये लाए पैसा से दिए, ये पैसा लाए पैसा दिए, इनको दिए हम 15,000 का, ये बोले कि उधार चाहिए, तो कितना में देंगे? 20,000 का। अब अगर इस चीज को हम लिख कर सिर्फ इतना ही कितनों इनको दिए 20 में, इनको 15 में, क्या हम चल पाएंगे? मेंटेन दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा? अब अगर हम नहीं दिखाएंगे तो पता नेक्स्ट डीलर क्या बोलेंगे, अब दोनों का पर्ची मिला ही तो, उन्होंने कितना में दिए थे? 15 में, हमको कितना में दिए? ऐसा क्यों? तो उस चीज से बचने के लिए ना हमें कैश डिस्काउंट को डायरेक्ट दिखाना पड़ता है कि हम 20 के बाद 5 और कैश डिस्काउंट कम किए हैं, तब ये शांत रहे कि हाँ हम उधार लिए हैं इसलिए पैसा कम नहीं हुआ, ये दोनों का डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन क्या है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कहाँ से? रमन वर्मा से। कितना और कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? 10%। आप लोग ऊपर से क्वेश्चन लिख लिए, मिटा दें ये वाला, अच्छे से सॉल्व करता है ना, ज्यादा स्पेस लेकर। देखिए पहले निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, परसेंटेज सॉल्व करने में सबको आता है ना मेरे ख्याल से, कि नहीं आता है? लिखेंगे कितना डिस्काउंट है? 10%, यानी 10% ऑफ कितना? कैसे कितना हो जाएगा बताइए? 10/100 × 30, 3 × 1 = 3, कितना? 0, यानी कितना रुपए कम हो गया? तो अब डिस्काउंट तो हो गया, परचेज अमाउंट पहले कितना था? 30,000, अब कितना हो जाएगा? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, समझिएगा ध्यान से, परचेज अमाउंट क्यों लिखे यहाँ पर? क्योंकि वो सब के लिए लागू हो सकता है, क्यों? क्योंकि ट्रेड है, कैश दे तब भी और ना दे तब भी, दोनों के लागू हो जाए, तो क्या लिखेंगे इसको हम? परचेज अमाउंट कितना आपका? 30,000 था पहले से, माइनस 3,000, कितना हो जाएगा? 27,000। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे मेंटेन करेंगे? डेट सेम प्रोसेस वही है, सेम फॉर्मेट वही है जर्नल का, पर्टिकुलर अमाउंट डीआर और अमाउंट। अब देखिए इसको मेंटेन कैसे करना है, हम क्या बताए अभी कि ट्रांजेक्शन को मतलब नहीं है, क्या चीज से? ट्रेड से। तो परचेज अमाउंट कितना हो जाएगा? डीआर किसी यार, परचेज क्या में होता है? परचेज करने पर आता है कि जाता है वस्तु? तो यहां पर कर देंगे परचेज अकाउंट डीआर। अब इस क्वेश्चन में कैश तो है नहीं, क्या लिखा हुआ है? तो क्या डालेंगे यहां पर? 2
और बार बार उसको छांटने मत लगिए। आप लोग याद कर लीजिए, रमन वर्मा अकाउंट पर्सनल में आता है, उसका होता है कि रिसीवर गिवर, तो यहाँ पे गिवर हुआ तो क्या में चल जाएगा, ये CRV यानी रमन वर्मा अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया परचेज का, 30 की 27। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट को किसी जर्नल से कोई मतलब ट्रांजेक्शन में मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको बेचना ही इतना में है। अब अगला बनाएंगे तब उसको मेंटेन करेंगे ट्रांजेक्शन में भी और नरेशन में भी, और ये ट्रांजेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट आपका डिलीवर हो जाता है। नरेशन क्या बनाइएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमन वर्मा एंड रिसीव्ड ट्रेड डिस्काउंट कितना, 3000 रुपये। लिख दें क्या, देखिए being कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन और बन जाएगा ना, इसको पहले लिख लीजिए आप। ये सब बन गया ना, कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। लिखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ₹20,000 एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 5% नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रिंकू इलेक्ट्रॉनिक्स ₹30,000 एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 7% एंड ही अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, sold goods to Dinesh Lal ₹25,000 and he received trade discount 10%. Next question, sold goods to Mohan Lal ₹45,000 and he received trade discount 15%. हो गया, क्लास ओवर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको कोई भी डाउट होगा इस क्लासेस में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का डाउट क्लियर कर सकूँ।